है पिशावर के मशहूर लजीज चावल, जिसकी कोई ब्रांच नहीं, ये एक ही वाइज दुकान है जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त और बहुत जायकेदार चावल मिलते हैं। ज़बरदस्त हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं सुबह नाश्ता लेने के लिए। सुबह सुबह का ये जो नाश्ता है ना, वो बड़ा ही कोई मज़ेदार होता है, क्योंकि उसमें होता है लोबिया छोले। ये आ गई लोबिया वाली की दुकान। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक। लोबिया दे दो यार, चने भी दे दो, चटनी सब कुछ डाल दो। हाँ, चटनी मटनी सब डाल दो। अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? ठीक है, बस दिया में एक थे वो फूड वाले, उसके इतने सब्सक्राइबर है, वो सिर्फ छोटी छोटी गाड़ियाँ जो है ना, उससे वीडियो बनाते हैं, उससे पूछ रहे हैं कितने टाइम से कर रहे हो। बस यही बहुत फेमस है यार, मैं अक्सर उसका वीडियो देखता हूँ। हमारे पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। उसका पेज का नाम है दिल से फूड। अच्छा, दिल से फूडी। हाँ, मोटा वो, मोटा दिल से फूड। सही है, वो भी अच्छा। लिस्ट में आते हैं तो देखते हैं। चलो चलो यार, फरमा पे बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। इंशाल्लाह पे मुलाकात होगी, इंशाल्लाह। मैंने आपके मन मोजी लिखो ऊपर, ये लो सर, इस पे उस पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ। हाँ, यूट्यूब पे जाओ। एम ए एन एम ए एन एम ओ जे आई लिखो, इसको सर्च करो, ये पहला आएगा मेरा चैनल, ये ऊपर आ गया ये। हाँ, सब्सक्राइब कर दो और जाओ अंदर वीडियो में देखो। चपले कपा की वगैरह बनाई है, ये तो ऐसी बनाई थी, अभी बहुत सारी वीडियो आएगी, अभी आपकी भी आएगी। ठीक है फरमान भाई, थैंक यू। अरे फरमान भाई, माशाल्लाह से इनके लोग भी हम खाते हैं यहाँ पर, जब भी आते हैं बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह से। जिसको इंग्लिश में कहते हैं किडनी बीन्स। लोबिया ले लिए, आप घर जाके नाश्ता करते हैं। नाश्ता लोबिया और किडनी बीन्स चनों का। हाँ जी, तो बस निकल पड़ा हूँ मैं भी, शोबे बाजार जा रहा हूँ, गाड़ी का कुछ सामान लेना है अभी। और मेरे होंडा सिटी का स्विच ख़राब हो गया, तो मैं सोचा था पेशावर आया हूँ तो स्विच ले लेता हूँ, अगर मिल जाता है अच्छे पैसों में, मुनासिब पैसों में, तो वहाँ से ले लेंगे। और आपको यहाँ का जो है ना शोबे बाजार भी दिखाएंगे, जहाँ पर गाड़ी को सारा सामान मिलता है, और उसके अलावा थोड़ा और भी घुमा दिया। ये मेरे घर के पास नहर है, ये नहर जा रही है बहुत पुरानी, अब तो इनके यहाँ पर स्टैंड लगा दिए हैं इन्होंने, बड़ा अच्छा इसको वो कर दिया है सिक्योरिटी के हिसाब से। पहले ये बिल्कुल खुली हुआ करती थी, तो पानी रोड पे भी आता था, यहाँ से तकरीबन 8-10 साल पुरानी बात है, और अब जो है ना ये बिल्कुल पैक हो गई है। यहाँ बच्चे भी बहुत गिरे, और हमारी भी एक ज़माने में एक गाड़ी गिरी थी यहाँ पर, वो कोने पे उधर उस जगह पे, और यहाँ शाहीबाग को रास्ता जाता था। हम अभी यहाँ से मुड़ेंगे तो मेरे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड पर आएगा स्टेडियम, पेशावर स्टेडियम, वो बन रहा है। इस रोड पे बहुत पैदल चले हम लोग, यहाँ पर जो है ना सामने की तरफ उल्टे हाथ पे शाहबाग हुआ करता था, अब बाउंड्री वॉल करके उसको पैक कर दिया बिल्कुल। ये स्टेडियम का गेट है, ये सारे खेत हुआ करते थे जब हम बचपन में यहाँ पर आते थे क्रिकेट खेलने के लिए, अब यहाँ सारे घर बन गए। पेशावर बहुत छोटा सा शहर है पेशावर, यहाँ पर जो है ना हर चीज़ हर जगह देख करीब करीब है। यानी आप घर से आप निकले बाहर आए, रोड रक्षा किया आपने, आप सीधा 10-15 मिनट में आप हर जगह पहुंच जाते हैं, इतना छोटा शहर है। तो ये इन्होंने कोई पार्क बनाया है, शालीमार बाग है ये। अगर हम पुल के बस जाते ना तो मैं आपको दिखाता, ये बड़ा अच्छा बाग बना हुआ है, लेकिन अभी हम नीचे से जा रहे हैं। किला वाला हिसार, बड़ी गर्मी है भाई, आज अगस्त की 4 तारीख है, बहुत सख्त गर्मी है,
लेकिन शाम के टाइम पे थोड़ी हवा चल रही है। ये सारा सामने किस्सा पानी बता रहा है। लजीज चावल, बहुत ही मशहूर चावल। थैंक शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पेशावर के मशहूर लजीज चावल जिसकी कोई ब्रांच नहीं, एक ही वाही दुकान है जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त और बहुत जायकेदार चावल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है, खैर खैरियत से। ये कितने का प्लेट है? 150। एक बेहतरीन करके 150 वाली बना दें, मेरा पेट तो ऑलरेडी भरा हुआ, लेकिन लजीज चावल के आगे आगे दोबारा भूख लग गई है। आपका नाम क्या है? इस्माइल। इस्माइल भाई, एक अच्छी सी प्लेट बना दो इस्माइल भाई, मज़ा आ जाए। कराची से आए आपके लजीज चावल खाने। क्या हाल है भाई, ठीक हो? तो भाई ठीक है, क्या कह रहे हो? बस चावल कैसे लगे? अभी खाए कहाँ हैं? काम को तो पता चलेगा कैसे लगे। ओ हो हो, क्या बात है, जबरदस्त यार। सारा माल अंदर है, सारा माल अंदर है, निकालो ना अंदर वाला माल। जरा मेवा अच्छा डालना, मेवा। क्या नाम है आपका? वली। वली भाई कैसे हो? ठीक हो? सब ठीक है, खैरियत से हो? तो फिर ठाक है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। ओए हो हो, जबरदस्त जबरदस्त, ले ले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? बड़ी तारीफ सुनी है, आप खाने आए हो, देखते हैं कैसा है आपका लजीज चावल। और तबीयत ठीक है आपकी? जगह बनाते हैं यहाँ पर। अगर पेशावर आए और ये लजीज चावल नहीं खाए ना, तो पेशावर आने का कोई फायदा नहीं है भाई। और खाने हैं तो यहाँ के खाने हैं, शॉपे बाजार के, उसके अलावा सब जगह फेल है। नेट पे देंगे। 2022। हाँ, अभी अभी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जरा चावल ट्राई करते हैं कैसे हैं। बताने की जरूरत नहीं है, बस आओ और खाओ और एंजॉय करो। ये टेस्ट हेवन है, हेवन। शोबे बाजार के अगर आप चावल खाते हो मेवे के साथ, मज़ा आ जाएगा। इसमें अच्छा मेवे में क्या होता है, किशमिश होती है और इसमें चने होते हैं, और उसके साथ ये मीट होता है बड़े गोश्त का, तो वो जो है ना जायका भरपूर हो जाता है। हॉस्पिटैलिटी जो है ना पेशावर में ख़त्म है, लोगों का इतने मिलनसार, इतने खुश अखलाक, इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं कि आपको जो है ना वैसे ही मज़ा आ जाता है। आप लगता है आप अपने लोगों में, इतनी हॉस्पिटैलिटी है लोगों में। मैं आपको दिखाता हूँ किशमिश, थोड़ा सा मीठा मीठा लगता है, और साथ में ये चने और गोश्त, ये और चावल, ये चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन के मिलता है। अकेले भी फ्रिज रहता हूँ इसको, बहुत डिलीशियस। नो डाउट बहुत बस चावल है, नमकीन और मीठे का टेस्ट दोनों को आ रहा है, तो एक नया कॉम्बिनेशन बनता है किशमिश के साथ इसका, और चनों के साथ भी, तो बस यखनी बहुत ज़बरदस्त है, तो माशाल्लाह बहुत ही ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है। 10/10। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। थैंक यू। लस्सी चावल तो मैंने खा लिया, अब जा रहे हैं शॉपिंग करने शॉपे, और ये शॉपे बाजार है। जबरदस्त होंडा का स्विच है, होंडा स्विच नहीं है, कहाँ मिलेगा? आगे मिलेगा, ये हॉर्न रखे में बहुत सारे हैं।
भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पर शोभा बाजार में। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ स्विच, सारी गाड़ियों के स्विच लगे हैं। दिखाना जरा मुझे सिटी का, दिखाऊंगा होंडा सिटी का। अजी होंडा सिटी दारा जी का 8 मॉडल 7-8 6-7 कितने का फाइनल होगा? नहीं यो ये पहले 1500 बोला। तुम्हारा बात सही है ना, लेकिन एक पीस में तो यही रेट नहीं है ना, ये रेट पर एक पीस। पकड़े हाथ में तो ले, हाथ में तो ले, हाथ में तो ले मेरी जान। 1200 मैंने आपको दिए, 100 मैं आपको और दे रहा हूँ, 1300 ठीक है मेरी जान। इसमें तो 2000 से कम एक पीस नहीं देते, इसमें तो चाबी। चलो ये आपकी मोहब्बत है ना, आपका नाम क्या है? चमन भाई। चमन भाई चलो बहुत शुक्रिया चमन भाई, ये शॉपर में डाल दो। शॉपर की आवाज है। अभी इसका दरवाजे के लॉक का डिग्गी के लॉक का क्या करूँ? वो चाबी तो अलग होगा। नंबर दुकान है हाँ, उसको तो नहीं है हाँ, सीधे जाओ आखिरी दुकान में आते हो कोना पर। अच्छा नीचे नीचे। नाम क्या आपका? जहांगीर भाई जरा दिखाओ ना मशीन तो दिखाओ, ये चार दिनों की मशीन है। ये कितने में दे दोगे आप मुझे मोहब्बत में? 1500 में। थोड़ी और मोहब्बत दिखा दो ना, थोड़ी सी और। टोयोटा के कितने की है? टोयोटा वाला उसमें 1000 रुपए का भी है, 2000 का भी है, 1500 का भी है। कौन सा बोले? पीछे भी इसके साथ बना देगा, बना देगा। ये होंडा सिटी का ही है ना, 7-8 का सीधा चुहा शेप का, चुहा शेप का अपना वाला है। ये चेन में होंडे से लेके 2017 तक लगेगा। कितने से चेन है? मनमोजी। अभी आओगे इसमें आप ठीक है? नाम क्या आपका? शाकिर। शाकिर भाई बहुत शुक्रिया यार, लाओ जजाक अल्लाह। सामान ले लिया अब यहाँ शॉपिंग बाजार से, अब जा रहे हैं घर। अफगान कॉलोनी सारी चीज़ें ले ली, मशीनें भी ले ली माशाल्लाह से, खाना भी खा लिया लजीज चावल, और अब जा रहे हैं घर। अस्सलाम वालेकुम। अफगान कॉलोनी जाना भाई? कितने? 200 अरे वहाँ से 100 रुपये में आया हूँ मैं, भी अभी आया हूँ। नहीं बस 100 रुपये, 120 नहीं, बाजार से जो है ना वो इतने सस्ते में नहीं जाते। लजीज चावल भी खा लिए बेहतरीन जायकेदार माशाल्लाह से, और फिर शॉपिंग से सामान भी ले लिया, बहुत सस्ता मुझे मिला है। अंदर में मार्केट में गया तो वहाँ 10,000 रुपये 5,000 रुपये रेट मिलते थे, और वही सामान मैंने बाहर से 3,000 रुपये का दिया, जिसमें मेरी गाड़ी की दरवाजों की मोटरें भी आ गई हैं और साथ में उसकी स्विच लॉक भी आ गया, बेहतरीन हो गया। बहुत ही नीट एंड क्लीन शहर है माशाल्लाह से, शावर कहीं भी आपको कचरा नजर नहीं आएगा, बहुत साफ सुथरी रोड ज़बरदस्त माशाल्लाह से, बहुत नीट एंड क्लीन। और ग्रीनरी देखें आप सामने की तरफ, यहाँ का बहुत मशहूर जगह चरगान चौक से हम गुजर रहे हैं, यहाँ सारे फ्रूट वाले खड़े होते हैं। जलील कबाब हाउस बहुत ही मशहूर जलील कबाब हाउस यहाँ पर, जहाँ के बहुत मशहूर कबाब हैं जलील के नाम से, अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा, ये चरगान शॉप में उसकी दुकान है। चलो भाई ट्रेन जा चुकी है, ये चरगान जब फाटक है बड़ी देर यहाँ पर हो जाती है, काफ़ी देर से यहाँ खड़े हुए थे, और जब रास्ता फाटक खुल गया तो एकदम ट्रैफिक जो है ना तेज़ हो गया। बारिश हो यहाँ पर, जितनी भी बारिश हो पानी खड़ा नहीं होता, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाले हैं यहाँ पर, इतने बड़े बड़े नाले और गिट्ठा नाले, सारा पानी जो है ना बारिश का, ये राइट साइड पे अंदर ये पंप है।